सदन में भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री सड़क एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना का मामला उठाया। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सड़क स्वीकृत होने के बाद भी सड़कें नहीं बन पाई है। इस पर पंचायत मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ई स्तर के अधिकारी को ले जाकर भौतिक सत्यापन कराएंगे। सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच भी कराई जाएगी। वहीं विधायक ऋषिकेश सेन ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान हैवी इंडस्ट्रीज एरिया हथखोज में हुए अवैध कब्जों का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि अगर उद्योग की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है तो जिला प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। कुछ राज्य शासन नहीं लगा पाएगा क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि श्रीमती भावना वोरा के प्रश्न में मंत्री जी ने उत्तर दिया, 2021 में इसको बंद कर दिया गया। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आप भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ थी कुछ और उसके कारण से फैसला लिया गया। अब भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि CSR मद जैसे पहले संचालित होती थी और राज्य सरकार और कलेक्टर के माध्यम से उसे निगरानी किया जाता था, जैसे कि माननीय अनु शर्मा जी ने कहा कि वो CSR मद का खर्चा बता देते हैं लेकिन वास्तविक स्थिति में उसका खर्च होता नहीं है, तो क्या भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि इस CSR मद जैसे पहले संचालित होता था उसी प्रकार से संचालित हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं पूरा पढ़ के बता दूं भारत सरकार का जो निर्देश है। नहीं, वो दूसरे प्रश्न है। इनका कहना है कि क्या आप आग्रह करेंगे कि जो निर्देश केंद्र सरकार ने दिया था पूर्ववत उसको क्या जारी रखेंगे? क्या ऐसा कुछ पत्र आप केंद्र सरकार को लिखने वाले हैं या लिखेंगे, ऐसा प्रश्न है? हाँ या नहीं में बता दीजिए। हाँ, भारत सरकार को हम लोग लिखेंगे कि बस ठीक है। ठीक, अजय चंद्राकर बोले जी, कुछ पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी जिसने कहा निरंक है और काम हम कराएंगे, वो काम शुरू हो गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए धर्मजीत जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा हूँ कि 10 साल में तखतपुर विधानसभा में कुल कितनी सड़कें RES ने बनाया है? 10 साल में 10 सड़क इन लोगों ने बनाया और अभी 3 सड़क का काम चल रहा है। परिशिष्ट में जो जवाब इन्होंने दिया है मंत्री जी, उसमें 3 सड़क 23 में स्वीकृत हुआ है, 22-23 में DMF मत से, 30 लाख उसी तरह से DMF मत से 22-23 में हुआ है, 18 लाख और वही 22-23 में WBM सड़क निर्माण जरेली DMF मत से 30 लाख। और तीनों ही काम में आपने रिमार्क दिया है मुरुम बिछाई कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर, सामग्री एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर, सामग्री एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर, और आपने ये भी कहा है निर्माणाधीन समानुपातिक प्रगति के संबंध में ठेकेदार को 29/9/23 को नोटिस, वही बात लिखे हैं आप दूसरे सड़क में 29/9/2023 को नोटिस, कारण बताओ नोटिस, और तीसरा भी नोटिस। तो कुल मिला के आपके इस जवाब में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि DMF मद के पैसे को इस तरीके से दे करके, और जो आपका जवाब आया है वही ये बता रहा है कि इसमें भयंकर अफरा तफरी करने का ये एक माध्यम बना हुआ है। तो मैं आपसे दो चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये तीनों सड़क सहित तीनों सड़क की जांच आप मेरे को आपके अधिकारी ले जा करके कराएंगे क्या? जांच कराएंगे मतलब मुझे दिखवाएंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या था, क्या बनने वाला था, क्या नहीं बना 2 साल में? 30-30 लाख की सड़क अगर 2 साल में नहीं बने तो बड़ी बड़ी सड़क बनवाने के बारे में हम सोच नहीं सकते, एक। और दूसरी बात, आपने मेरे जवाब में ये बोला है कि कोई भी सड़क गड्ढा नहीं है, जर्जर नहीं है, कोई कीचड़ युक्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आपने मैंने क्लियरेंस दे दिया आपने 10 सड़कों का, 10 साल की सड़कों का। उन 10 सड़कों का मुझे भौतिक सत्यापन आप कार में बैठ के करेंगे और मुझे दिखवाएंगे क्या? और ये 3 सड़क को मैं देखूंगा, अगर वहाँ गड़बड़ी है तो आप उसमें जांच करवाएंगे क्या? एक बार में मेरे को सब प्रश्न का जवाब दे दीजिए, कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। 30 लाख की सड़क में एक दिन ही 3 सड़क के लिए नोटिस दिया गया है, कोई 18 लाख 30 लाख की सड़क साहब 2 साल में नहीं बन पाए,
डीएमएफ मत के पैसे का जो बंदरबांट हो रहा था, जो आरोप लगता है वो यही तो है, यही तो है मिली भगत। चलिए प्रश्न आप करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और मुझे लगता है कि इसमें प्रश्न लगाने की बहुत आवश्यकता नहीं थी। आप सम्माननीय उस क्षेत्र के विधायक हैं, अगर आप वो तीन छोटी सड़कें हैं अगर जाकर आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जिले के जो ई लेवल के अधिकारी आपको तीनों रोडों को दिखाएंगे, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है निर्माण कार्य के लिए, उससे आपसे सलाह मशवरा करके जल्द से जल्द बने ऐसा करेंगे। इस बात के लिए 30 लाख में सड़क भी बनता है, वो 30 लाख में भी आधा आश्चर्य का विषय। मैं वही तो देखना चाहता हूँ साहब, ऐसा कौन सा सड़क है जो 30 लाख में, 18 लाख में, 2 साल में बना भी नहीं। अरे ये सब चलिए जादूगर दिखवा देंगे जी, निश्चित रूप से दिखवा देंगे। मैं आपकी जवाब से संतुष्ट हूँ, मैं आपको मैं भी धन्यवाद दे रहा हूँ, आप जांच कराने की घोषणा कर दिए। नहीं बिल्कुल, उसमें जांच कराएंगे अगर वो सड़क का पैसा बना है तो आप जाइए। संपत जी अपना प्रश्न करें, रिकेश जी अपना प्रश्न करें, रिकेश सेन, श्रीमती शेषराज हरवंश जी अपना प्रश्न करें। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहाँ से आ गए? नहीं कहीं नहीं, 20वां नंबर पे था, रिकॉर्ड बन गया आज। आप सबको भरोसा ही नहीं था कि आज प्रश्न आएगा। आपको प्रश्नकाल में यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। जी मैं उपस्थित था, भागते भी आते भी प्रश्न करना ठीक नहीं है। जी जी चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय माफी चाहता हूँ, उद्योग मंत्री महोदय जी बताने की कोशिश बताए कि भिलाई हथखोज जिला दुर्ग में उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा कितनी जमीन आवंटित की गई है, इसका मुझे कुछ लिस्ट भी आया है, लेकिन वहाँ पे मैं ये जानना चाह रहा था कि जो उद्योग की जमीन है उस जगह पे लगातार कई एकड़ों में अवैध कब्जे पिछले 5 साल में हुए हैं, तो वो उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या प्रयास माननीय उद्योग मंत्री जी करेंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में और इस प्रकार से जिस प्रकार से उद्योग की जमीनों पर कब्जा चल रहा है और हमको नए लोगों को जो MOU हम अलग अलग लोगों से कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम जमीन कहाँ से उपलब्ध करा पाएंगे, और जमीन दलालों के द्वारा जो है हथखोज में पिछले 5 वर्षों में 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों पर जो कब्जा किया गया है उस पर क्या कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बताया जा रहा है कि उद्योग के जमीन में बेजा कब्जा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको बेदखली का कार्रवाई करेंगे। अगर ज़मीन में कब्जा हो रहा है तो मुझे इसका जानकारी नहीं था कि कब्जा हो रहा है करके, बात को बताएं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई। चलिए आप बताएं। नहीं नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये चिंता करने वाला विषय है, इस पूरे विषय पे सिर्फ ये कह देना कि कब्जे को हटाएंगे या देख लेंगे या कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 एकड़ से ज़्यादा जगहों पर अलग अलग लोगों ने कब्जा किया है, और ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति में कोई भी वहाँ पे उद्योग की जमीन किसी को मिल नहीं पा रही है, और जो लोगों को रोजगार मिलेगा उस उद्योग की जमीन से, लोग वहाँ के जो युवा है इस बात को लेकर असन्वित है कि हमें जो है इस उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा, वो रोजगार से वंचित हो रहे हैं, इसलिए बड़ी पहल करने की आवश्यकता, एक समय सीमा मुझे चाहिए। चाहते क्या हुआ? मैं चाहता हूँ उस अवैध कब्जे को हटाया जाए, उसके लिए क्या 3 महीने में आप उसकी कार्रवाई कम्प्लीट करेंगे कि 2 महीने में करेंगे? अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग की जमीन में अगर कब्जा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसको हटाएंगे। चलिए उसकी एक सीमा, क्योंकि पर्टिकुलर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बुलडोजर लेके जाते हो, बुलडोजर लेके चल दो। नहीं बुलडोजर अनुमति दे दे, मैं कल चला दूंगा। चलिए लेके खुद ही जाते हो। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं माननीय अध्यक्ष, जवाब आ गया, जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता करना बड़ा आवश्यक है, अनुमति चलवा दे। देखे माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता करना आवश्यक है क्योंकि ये प्रदेश का मामला है, लोगों के रोजगार से संबंधित मामला है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पे आप गंभीरता पूर्वक जवाब दें। चलिए आप गंभीरता से इसका जवाब देंगे, चलिए दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन हमारा सक्षम अधिकारी रहता है और उसके माध्यम से निश्चित तौर पर हम उसको बेजा कब्जा हुआ है हमारे जमीन में तो हटाएंगे उसको। आज सदन में आप ऐलान कर दीजिए 3 महीने के अंदर अवैध कब्जे को हटा दिया जाएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए मैं वो जमीन को मांग रहा हूँ, और ऐसे ऐसे लोगों ने अवैध कब्जा किया जो यहाँ के भाव बढ़ी है।